हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइवर यूनिट के बारे में, जो कि ड्राइवर यूनिट दो प्रकार की हो गई है अब, ठीक ना। तो कैसे इसका सही कनेक्शन होता है आज उसका सारा आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक ना। अगर आप लोग गलत कनेक्शन करते हैं तो आप लोग का यूनिट ज़्यादा जलने का चांस ज़्यादा हो जाता है और जल जाता है, ठीक ना। इसके कारण हम आज सारा कारण क्या है सारा आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। एक अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, ठीक ना। और जाते जाते आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं वो ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग का एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा, जो कि बैक साइड का उसका एम्पलीफायर का पिक्चर है, ठीक ना। तो ये एम्पलीफायर आप लोग को 250 वाट का इसी एम्पलीफायर के अंदर आप लोग को समझाने वाले हैं, जो कि आप लोग कोई भी एम्पलीफायर आपके पास हो वो सारा आप लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। इस एम्पलीफायर से समझाए या कोई अलग एम्पलीफायर से समझाए बात एक ही है, सिर्फ आप लोग को वीडियो को लगातार वॉच करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक ना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को 1K सब्सक्राइब कम से कम अभी तक करवा दिए इस छोटे को, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले ड्राइवर यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ड्राइवर यूनिट दो प्रकार की होती है, एक ओम वाला यूनिट होता है ड्राइवर यूनिट, एक लाइन वाला ड्राइवर यूनिट होता है, ठीक ना। तो लाइन वाला ड्राइवर यूनिट जो होता है वो अंदर में ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक ना, और ट्रांसफार्मर ही फिर बाद में ओम मैचिंग के साथ कराता है। लेकिन वो ड्राइवर यूनिट लाइन वाला सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें ओम वाला मैचिंग नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ड्राइवर यूनिट के पीछे साइड में आप लोग को फोकस करना है, ठीक ना। तो पीछे साइड में आप लोग को इस तरह देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है आप लोग को मॉडल नंबर AU50XT, ठीक ना। तो नीचे लिखा है इसमें ड्राइवर यूनिट विथ 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर, यानी कि आप लोग को 100 वोल्ट में चलाना है, जो कि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इस यूनिट में, ठीक ना। ये भी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक 70 वोल्ट का होता है, 100 वोल्ट का आता है, ठीक ना। लेकिन ये AU50XT 100 वोल्ट में है, तो आप लोग रेड वायर 100 वोल्ट में जोड़ना है और ब्लैक वायर कॉमन में जोड़ना है, ठीक ना, जो कि आप लोग सरासर समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग का यूनिट आप लोग देख पीछे साइड देख के आप लोग को अगर 70 वोल्ट लिखा हुआ तो 70 वोल्ट में रेड वायर को लगाना है और कॉमन में ब्लैक वायर, ठीक ना। अगर आप लोग को यूनिट में 100 वोल्ट लिखा है तो आप लोग 100 वोल्ट रेड वायर में लगाना है और कॉमन में ब्लैक वायर लगाना, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब प्लेन यूनिट की बात करते हैं, यानी कि ओम वाला यूनिट के बारे में बात करते हैं। ओम वाला यूनिट में आप लोग को बैक साइड में इस तरह देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, उसमें लिखा रहता है जो मॉडल है इसका AU35, यानी कि ये यूनिट आप लोग को ड्राइवर यूनिट 35 वाट का है, ठीक ना। तो ये 60 वाट तक मैक्सिमम में आ चुका है, तो ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तो फ्रेंड्स इम्पीडेंस 16 ओम लिखा है, ठीक ना, यानी कि एक ड्राइवर यूनिट आप लोग को 16 ओम का मिलता है, ठीक है। तो आप लोग पैरेलल कनेक्शन करके आप लोग चला सकते हैं इसको ओम वाला मैचिंग में, ठीक ना। लेकिन ये बहुत हार्ड रहता है, ठीक ना, इसमें आप लोग ज़्यादा यूनिट नहीं चला सकते हैं और ना ही अच्छा इसमें बजता है। आप लोग बड़ा एम्पलीफायर लेते हैं तो आप लोग लाइन वाला यूनिट परचेस कीजिए ताकि अच्छा रहता है, ठीक ना। अगर छोटा मोटा एम्पलीफायर है तो आप लोग ये यूनिट परचेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है छोटे एम्पलीफायर के लिए, ठीक ना। तो इसमें आप लोग जैसे कि छोटे एम्पलीफायर में आप लोग को 4 ओम 8 ओम और 16 ओम को देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब बड़े एम्पलीफायर में आप लोग को 2 ओम की सुविधा रहती है, ठीक ना। छोटे एम्पलीफायर में आप लोग को 16 ओम का व्यवस्था मिलेगी, जो कि 16 ओम का आप लोग ऑप्शन में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर 8 ओम में चलाना है तो आप लोग पैरेलल कनेक्शन करके 8 ओम में दो चला सकते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग को 4 हॉर्न चलाना है, 4 यूनिट चलाना है, तो आप लोग पैरेलल कनेक्शन करके 4 ओम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोग को देखने को मिला, तो आप लोग ज़रूर इस भाई को चैनल का सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे फ्रेंड्स, अगर नहीं समझा तो वीडियो को एक बार फिर से जांचिए, ठीक ना, आप लोग को सारा समझ क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलता है अगली वीडियो में।